नमस्कार, मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं जर्मनी से एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो है आपके डिनर के ऊपर। डिनर में क्या खाएं, कब खाएं, कितनी क्वांटिटी में खाएं, ताकि आप जिंदगी भर पतले रह सकें। जब भी किसी इंसान ने वेट लॉस करना होता है, पहली चीज, मैंने आजकल डिनर छोड़ा हुआ है, या डिनर में मैं सिर्फ सूप और सैलेड लेता हूँ। डिनर छोड़ना पर वो बुरी बात नहीं है, बट वो चीजें जिंदगी में करनी ही क्यों जो आप सिर्फ टेम्पररी कर रहे हो। अगर आप टेम्पररी डिनर छोड़ रहे हो तो वेट लॉस भी टेम्पररी होगा। इससे अच्छा सीख लो ना क्या खाना है, कब खाना है, कौन सी फूड चॉइसेस लेनी है, ताकि आप जिंदगी भर पतले रह सको। मेरी किचन में जो मुझे हेल्प करने आती है, परसों ही मुझसे पूछ रही थी, पलक एक बात पूछूं, तो इतना खाना खा के पतली कैसे रह सकती है। पहले तो मैंने सोचा थैंक गॉड मेरी दादी नहीं सुन रही है, नहीं तो बड़ा गुस्सा हो जाती थी कि पलक की प्लेट पे नजर क्यों लगा रहे हो। गाइस ये बात सच है, मैं दिन में 5 से 6 बार खा के भी बहुत पतली रहती हूँ। अगर आपके खाने को लेके बेसिक्स क्लियर है, क्यों कहते हैं आपको कि खाने से 2 घंटे या 3 घंटे पहले खाओ। हमारी बॉडी उस टाइम डाइजेशन में बिजी नहीं होनी चाहिए, खाना पचाने में बिजी नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉडी उस टाइम कोई अंदर इन्फेक्शन है उससे लड़नी चाहिए, कोई टॉक्सिन्स है उनको डिटॉक्स करनी चाहिए, हमारी बॉडी हार्मोन्स बनानी चाहिए। बट अगर हम रात को ऐसा खाना खा लेते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो बॉडी पूरी रात डाइजेशन में बिजी रहती है। तो फिर जब आप सुबह उठते हो, आपने आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ता है उठने में, और थकावट रहती है, कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन रहता है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन फ्रेश नहीं दिखती है, मूड अच्छा नहीं होता है, पूरा दिन मीठा खाने का मन करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, अगर आपकी बॉडी रात को डाइजेशन में बिजी है। तो सबसे पहले आपने ये सीखना है कि अगर आप सोने से 1 घंटा पहले खा रहे हो क्या खाना है, 3 घंटे पहले खा रहे हो तो क्या खाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोने में अभी 3 घंटे बाकी है, आपको इतना खाना खाना है ताकि 3 से 4 घंटे तक आपको भूख ना लगे। क्या चीज है जो भूख मारती है? फैट और फाइबर। दाल के अंदर मक्खन डालो, देसी घी डालो, ग्रिल्ड चिकन की जगह बटर चिकन खाओ, या फिर लैम खाओ। लैम को 2 से 3 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। अगर आप सोने से 3 घंटे पहले कुछ खा रहे हो, बॉडी उसको पचा लेगी। बटर खाओ, घी खाओ, थोड़ी सी स्टीविया वाली आइसक्रीम भी खा सकते हो। बस खाने के बाद बैठे मत रहना, 10-15 मिनट चल लेना, कभी भी वेट गेन नहीं होगा। और अगर आपको सोने से पहले भूख लग जाती है, फिर आपने ध्यान देना है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, चावल रोटी ये सब आपने नहीं खाना है, क्योंकि ये चीजें आपको क्विक एनर्जी देती हैं। हमें एनर्जी खत्म करनी है, एनर्जी मिल जाएगी तो स्लीप वाला हार्मोन किल हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम आदमियों में बहुत ज्यादा होती है। मेरे एक भैया की दुकान है जो कि वो रात को 10 बजे बंद करते हैं और 10:30 बजे घर आते हैं। मैंने कहा भैया आप क्या खाते हो? मैं तो कुछ खाता ही नहीं, फिर भी डायबिटीज हो गई। 1 कटोरी दाल और रोटी। गाइस जो ये रोटी है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो चावल है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये अगर आपने 3 घंटे पहले खाए हो इट्स ओके, आपको 3 घंटे तक एनर्जी चाहिए, बट सोने से पहले ये सब मत खाओ। मुझे मालूम है अगर मैं आपको ये कहूंगी फुल फैट मिल्क का 1 ग्लास लेके सो जाओ, थोड़े नट्स खा के सो जाओ, या प्रोटीन शेक पी के सो जाओ, आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो खाने से ही सेटिस्फेक्शन होती है। तो कोशिश करो दाल और सब्जी तक ही रहो, रोटी और चावल बंद कर दो अगर आप सोने से 1 घंटा पहले खा रहे हो, क्योंकि ये रोटी और चावल आपको एनर्जी देंगे, प्लस मॉर्निंग में जो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत हाई रहेगा, जिसके कारण डायबिटीज होती है। अब मैं आपका ऐसा एक माइंडसेट चेंज करने वाली हूँ जिससे आप जिंदगी भर पतले रहोगे। अच्छा इंसान किसी शादी में जाता है, पार्टी में जाता है, या रात को फैमिली के साथ बुफे करने जाता है, वो क्या सोचते हैं? आज मैं ज्यादा खा लेती हूँ, कल से मैं थोड़ा कम खाऊंगी। ये सोच आपको बहुत मोटा कर रही है। लेट्स से आप बुफे में गए या पार्टी में गए, जितना आपकी बॉडी को प्रोटीन कार्ब फैट चाहिए आपने उससे ज्यादा खा लिया, वो सब रात को आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर होने वाला है। वो तो फैट स्टोर हो गया, अगले दिन आप गिल्ट में हो कि मैंने रात को बहुत खाया, तो अगले दिन आपकी बॉडी को हार्मोन्स बनानी है फैट से। आप दोगे ही क्योंकि आप कम खा रहे हो, एक्सरसाइज ज्यादा करोगे क्योंकि रात का गिल्ट है ना, और प्रोटीन नहीं दोगे बॉडी को तो मसल रिपेयर नहीं होगा और बॉडी तीसरे दिन बहुत थकी भी रहेगी। सो गाइज ये माइंडसेट छोड़ दो, अभी मैं ज्यादा खा लेती हूँ कल कम खाऊंगी। नहीं, जो अभी ज्यादा खाया है वो फैट में स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या कि मैं कभी आइसक्रीम नहीं खाती या मैं कभी ज्यादा नहीं खाती, खाती हूँ बट नेक्स्ट डे भी मैं पूरा खाती हूँ, बस अपनी एक्टिविटी थोड़ी बढ़ा देती हूँ। जब हम बुफे से वापस आ रहे होते गाड़ी में, मैं मम्मा को कहती हूँ मम्मा पार्क में चलेंगे 20-25 मिनट वॉक करना,
या अगले दिन एक्सरसाइज करने के अलावा मैं आधा पौना घंटा वॉक कर लेती हूँ, पर मैं कम नहीं खाती हूँ। तो सबसे पहले गाइज अपना ये माइंडसेट चेंज करो। जब आप अभी जितना शरीर को चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हो, वो फैट में ही स्टोर होगा। एक बड़ा सिंपल इसका हैक बताती हूँ जो कि मैं यूज करती हूँ। मैं जब बाहर जाती हूँ और मुझे पता है इतनी टेम्पटिंग चीजें आसपास कि आज फैट स्टोर होना ही होना है, उस टाइम मैं पार्टी के अंदर जाते खाना शुरू करती हूँ। पहले मैं अपना प्रोटीन पूरा करती हूँ, दाल चिकन, उसके बाद जितनी भूख लगी होती है खूब सारे वेजिटेबल्स बटर में सॉटे किए हुए खाती रहती हूँ, सैलेड्स खाती रहती हूँ। फिर पेट इतना भर जाता है कि जब मेरे सामने रबड़ी गुलाब जामुन आते हैं मन ही नहीं करता खाने का। मुझे पता है आपको ये टिप बहुत पसंद आएगा, जिंदगी भर पतले रहोगे। तो गाइज इस वीडियो को जरूर शेयर करो। ये सोच आपकी फ्रेंड लिस्ट में सबके पास जानी चाहिए। सही खाओ, सही माइंडसेट से खाओ, सही टाइमिंग्स पे खाओ, फिर आपको भी लोग यही कहेंगे, यार यू ईट लाइक अ बीस्ट, तू जानवर की तरह खाती है इतना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।